কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রতিমন্ত্রী সাথী নিরঞ্জন জ্যোতি দুদিনের সফরে মুর্শিদাবাদে। গতকাল বহরমপুরে জেলা বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি, পরে আরও একটি বৈঠক করেন দলীয় সাংসদ বিধায়কদের সঙ্গে। আজও দলীয় বৈঠক ছাড়াও ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং ইলোরা মন্দিরে যান। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গরিবদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে কেন কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে আসতে হচ্ছে সেই নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, चाहे मिड डे मील हो, आवास योजना मेरे अंतर्गत है, उसमें भी आवास बना नहीं, पैसा बहुत निकाल लिया गया। मैंने लोगों से कहा कि ऐसे आवासों की सूची मुझे दीजिए जिसमें गरीब का आवास बना नहीं और ममता दीदी की सरकार ने पैसा निकाल दिया। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रही हूँ, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उसमें गरीब में मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, दलित भी आता है, पिछड़ा भी आता है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति आता है, लेकिन गरीबों के साथ इस तरह का भेदभाव ममता बनर्जी का अच्छा नहीं है।